Hello, my dear students. Hope all of you are doing fine. My name is Prodipta Nandi and you are watching me on my YouTube channel, Academic Prodipta. So today, we are going to discuss a beautiful poem, The Squirrel, from the book Honeycomb. So without any further ado, let's start the video. This poem, The Squirrel, has been written by the great poet Mildred Bowers Armstrong. So here it goes. He wore a question mark for tail, an overcoat of gray. So he wore a question mark for tail. अभी यहाँ पे poet बोल रहे हैं कि he मतलब वो जो squirrel है. अभी यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि the poet is using the word he. नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई एनिमल या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वी जनरली यूज़ द वर्ड इट, पर यहाँ पे ही यूज़ किया गया है. तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये एक्चुअली एक पर्सोनिफिकेशन है. अभी पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर कोई एनिमल उनको ह्यूमन बींग्स के तरह फीचर देते हैं और ह्यूमन बींग्स के तरह एड्रेस करते हैं तो उनको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन. तो अभी पोएट ने वो जो स्क्वायरल है उनको पर्सोनिफाई किया है. ठीक है, तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क, जैसे लग रहा है कि वो एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है अपनी जो टेल है उसके तरफ. An overcoat of grey, और उसके साथ साथ एक overcoat मतलब एक loose fittings का coat वो पहना हुआ है. तो actually from these two lines what we get to know is जो squirrel होते हैं उनका जो tail होता है ना वो curved होता है. ठीक है, तो वो दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे एक question mark है, एक इंटरोगेटिव साइन है. ठीक है, तो और ये जो है ओवरकोट ऑफ ग्रे, ओवरकोट ऑफ ग्रे मीन्स जो स्क्वेरल होते हैं ना उनके बॉडी बहुत बहुत बुशी होते हैं, बहुत सारे फर्ज रहते हैं और उन सब का कलर क्या होता है, ग्रे कलर्ड होते हैं वो. तो जैसे लग रहा है कि वो एक ज़बरदस्त ओवरकोट पहना हुआ है, मतलब एक लूज फिटिंग्स का एक ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. तो वो स्क्वायरल क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ है इन अ स्ट्रेट वे, स्ट्रेट पॉस्चर, और वो एक नट खा रहा है. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायरल जो होते हैं वो जनरली ये सब नट्स वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर सर्वाइव करता है, ये सब खाते हैं. तो वो भी वैसा, वो स्क्वायरल जिसके बारे में पोएट बात कर रहे हैं इस पोएम में, वो भी नट्स खा रहा है. और ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वो प्ले करना खेलना पसंद करता है और वो टीज करता है, खेलता है. मतलब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो स्क्वायरल का जो नेचर है ना वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पोएट ने. तो वो बोले हैं कि वो ऐसे इधर उधर घूम रहा है, खेल रहा है, टीज कर रहा है. तो ये सिग्निफाई करता है स्क्वायरल्स का जो प्लेफुल नेचर है वो. एंड If we ran around his tree, he went the other way. तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे कि जो स्क्वायरल्स होते हैं ना, बाय द वे अपनी डे टू डे लाइफ में स्क्वायरल तो बहुत सारे लोग देखे होंगे. सो जो लोग देखे हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा. तो क्या होता है, ये जो स्क्वायरल्स होते हैं ना, तो जब भी हम लोग इन लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक मतलब जंप करके चला जाता है. ठीक है, वो मतलब टाइनी सा होता है, नॉटी सा होता है, लेकिन
इंसान से बहुत डरता है, तो वो जब भी मतलब देखता है आसपास किसी को तो जस्ट इधर उधर मतलब जंप करके चला जाता है। तो यहाँ पे इसलिए पोइट ने लिखा है कि ही वेंट द अदर वे, क्योंकि हम लोग जब भी उनके पास जाते हैं तो वो कहीं और भाग के चला जाता है। तो ये था एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो पोएम है इसका बेसिक समरी क्या है, मतलब पोएट जो है वो एग्जैक्टली क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि इस पोएम पे स्क्वेरल का जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, उसका जो बिहेवियरल नेचर्स है, वो सारे डिस्कस किया हुआ है इस पोएम में। जैसे कि उसका जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है, उसका जो बॉडी है उसको देख के लगता है कि वो एक ओवरकोट पहना हुआ है। ओवरकोट मींस एज आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू कि जो एक लूज फिटिंग्स का कोट, बड़ा सा एक कोट होता है वैसा। तो ये इनका कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। उसके साथ साथ ये भी यहाँ पे बोला गया है कि वो नट्स वगैरह खाते हैं और क्या करते हैं, वो बहुत बाय नेचर बहुत प्लेफुल होते हैं, इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। तो इसके साथ साथ जब भी हम लोग इनके पास जाते हैं तो ये एक तरफ से दूसरी तरफ ये लोग जंप करके चला जाता है, भागता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पोएम में द पोएट has been describing the different natures, the different characteristics, the different attributes of the animal squirrel. तो यही इस poem का main summary है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कुछ word meanings जो कि I'm sure आप लोगों को काम आने वाला है। So let's have a look on the word meanings. First one is wore, which means had something on body as clothing, जो कि मतलब body में कुछ रहना as clothing. Second one is overcoat, which means a long warm coat. Third one is tease, which means make fun of. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि squirrels बहुत ही फन लविंग एनिमल्स होते हैं। फोर्थ वन इज अराउंड, विच मीन्स ऑन एवरी साइड ऑफ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक इट, एंड इफ यू ट्रूली लाइक दिस वीडियो देन डू गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फोकस्ड, keep studying and all the best.